एक बात बताओ, हम आईआईटी नीट वाले क्रिश थे ऋतिक रोशन है क्या? यहाँ पूरी दुनिया को वायरस हो रहा है, हमें नहीं होगा। यहाँ आईआईटी क्रैक करते करते गण क्रैक कर गया है, अब कोरोना में एग्जाम देंगे तो और क्रैक कर जाएगा। ऐसे भी लाते लाते इम्यूनिटी कमजोर हो गया है, अगर बेटी जोत कोरोना हुआ तो 99.9% चांस रिकवर नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे बे। तुम लोग का क्या ईगो हट हो गया है? बच्चे की तरह जिद की जाओ, एग्जाम लेके रहेंगे, एग्जाम लेके रहेंगे। यहाँ गांड में घुस रहा कोरोना, तुम्हारा बंद नहीं, एग्जाम करो ना। अरे वो नीट वाले जाना चाहते हो हॉस्पिटल डॉक्टर बन के, ना कि पेशेंट बन के। वो गले में स्टेथोस्कोप लगाना चाहते हैं, तुम मौत का फंदा लगा दे रहे हो। पहले उन साइंटिस्ट को बोले एग्जाम देने, अभी तक उनसे वैक्सीन नहीं बना, इलाज के नाम पे 5 टाइम काढ़ा पी रहे। समझ मारा किसी ने एग्जाम हॉल में छींक मार दिया तो कितना भय का माहौल रहेगा, गांड फट जाएगा। 2 साल से ड्रॉप किए हुए, 2 महीने और ड्रॉप कर देंगे तो कोई मर नहीं जाएगा, पर एग्जाम देने जाएंगे तो पक्का मर जाएंगे। और वैसे भी मेरे को इतना दर्दनाक वर्जिन मौत नहीं मरना। देखो जैसे तुम चाइना का पहला वायरस टिकटॉक हटायो, वैसे ही दूसरा वायरस कोरोना हटा दो, नहीं तो एग्जाम हटा दो। नहीं तो जैसा आईपीएल यूएई में करा रहे हो, वैसे हमारा एग्जाम यूएई में कराओ, और स्पॉन्सर तुम करो, हम खुशी खुशी देंगे। बहनचोद ऐसे ही 10th के बाद साइंस लेकर डेयरिंग वाला काम किए थे, अब एक कोरोना में एग्जाम देकर और डेयरिंग वाला काम करें। भोसड़ी के माउंटेन ड्यू का ऐड चल रहा है यहाँ पर, डर के आगे जीत है, लड़ा जीत है, मौत है। देखो मैं जीना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ, हिलाना चाहता हूँ, पर ये कोरोना वायरस से अपनी गांड नहीं मराना चाहता। अभी भी एक मन में उम्मीद है कि एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, तो कर दो यार प्लीज़।